साथियों, दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप पर भरोसा और मजबूत होता है। शौर्य और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है। जहां संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान चल रहा है, वहां भी एनसीसी कैडेट दिखते हैं। पर्यावरण को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है, जल संरक्षण या स्वच्छता से जुड़ा कोई अभियान हो तो वहां एनसीसी के कैडेट जरूर नजर आते हैं। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं, उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशंसनीय है। हमारे संविधान में जिन नागरिक कर्तव्यों की बात कही गई है, जिनकी हमें से अपेक्षा की गई है, वो निभाना सभी का दायित्व है। हम सभी इसके साक्षी हैं कि जब सिविल सोसाइटी, स्थानीय नागरिक अपने कर्तव्यों पर बल देते हैं, तब बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हल किया जा सकता है। जैसे आप भी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माओवाद कितनी बड़ी समस्या थी। देश के सैकड़ों जिले इससे प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कर्तव्य भाव और हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य साथ आया तो नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हो गई। अब देश के कुछ गिनती के जिलों में ही नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है, लेकिन अनेकों युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे हैं। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। अवसर चुनौतियों से निपटने का, विजयी बनने का। अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का। अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का। अवसर आत्मनिर्भर बनने का। अवसर साधारण से असाधारण
असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की युवा शक्ति की भूमिका और युवा शक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी के भीतर भी मैं एक राष्ट्र सेवक के साथ ही एक राष्ट्र रक्षक भी देखता हूं। इसलिए सरकार ने विशेष प्रयास किया है कि एनसीसी की भूमिका उसका और विस्तार किए जाए। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 225 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1,00,000 एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैडेट्स का सिलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्र के हो या राज्य सरकार के हो, सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। एनसीसी की ट्रेनिंग उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फायरिंग सिमुलेटर होता था, इसे अब बढ़ाकर 98 किया जा रहा है। करीब करीब 100, कहां एक और कहां 100। माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर, उसको भी 5 से बढ़ाकर 44 और रोविंग सिमुलेटर को 11 से बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। ये आधुनिक सिमुलेटर्स एनसीसी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे।